हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटी के रीडिंग सेक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ क्या होता है, कैसे करना है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, उन सभी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। पहले जानते हैं कि रीडिंग के, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन MCQ मल्टीपल आंसर, दूसरा MCQ सिंगल आंसर, तीसरा रीऑर्डर पैराग्राफ, फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन। फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्रॉप डाउन पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुकी है, ऊपर आप देख सकते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ होता क्या है। रीऑर्डर पैराग्राफ में आपको 4, 5 या 6 अलग अलग लाइन्स दी होती है, उनको आपको सीक्वेंस वाइज सेट करना होता है कि जैसे एक एक्चुअल मीनिंग बन सके उन लाइन्स का। ये टॉपिक वैसे तो हार्ड होता है, पर लेकिन आज मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उससे ये टॉपिक काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके अंदर मेन आप चीज़ आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो सभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी और के साथ ना मिलता हो, फुल कंप्लीट सेंटेंस हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बुर्ज खलीफा इज़ वेरी टॉल बिल्डिंग, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। अगर मैं कहूँ द बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि द बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन जो बुर्ज खलीफा है वो एक उसका बिल्डिंग है और पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं उनको हमें सर्च करना है और उनको हमें टॉप पे लेके जाना है कि वो फर्स्ट में आएंगे। ये तो हो गया पहला रूल। इसके अलावा चलिए दूसरा रूल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दूसरा रूल होता है कि हमें ढूंढने के कोई नाम हो, कोई एड्रेस हो इस टाइप से, जैसे कि रोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो वो हमेशा पहला आएगा। अगर लिखा हुआ ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट तो वो कभी पहला नहीं आ सकता। ही, शी, इट, दे, बट, ऑल्थो, नेवर द लेस, मोर ओवर, ये कुछ भी फर्स्ट पे नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले सर्च करना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा, उसके बाद हमें देखना है कि सेकंड पे कौन सा आएगा। ये जो मोर ओवर, बट, ये कभी पहले पे नहीं आएंगे, इसलिए सबसे पहले सर्च करें कि हमें पहले पे क्या करना है। उसके बाद जो तीसरी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको देखना है कि हमें सबसे पहले दो दो पेयर बनाने हैं। हमें पहले देखना है कि किस कौन सा पेयर कैसे बन रहे हैं, तो उनको हम अलग ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 लाइंस और रहेगी, उन्हें हमें देखना है कि कैसे पेयर बनाना है। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपको आंसर्स करके दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ी ज़्यादा समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं, साथ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और साथ साथ में इन ट्रिक्स को यूज़ करके भी दिखाता हूँ। नाउ एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीऑर्डर पैराग्राफ, इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको आपको रीड करना है ताकि आपको इसका एक जनरल आइडिया मिल जाए, तो इसको चलिए रीड करते हैं। नाउ पीपल कैन अटैच GPS टू देम, दिस GPS कंटेन डाटा एवरी कपल ऑफ आवर्स फॉर अप टू 2 ईयर्स, देन इट इज़ फाउंड 5 pandas हैबिटेट सम टाइम ओवरलैप, पीपल डिड नॉट नो पांडाज वेल। अब सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं कि पहला आ सकता है नाउ, ये पहले नहीं आ सकता क्योंकि नाउ आ गया, मतलब ये किसी की बात कर रहा था, ये पहले नहीं आ सकता। उसके बाद दिस GPS कंटेंट, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि वो GPS की बात कर रहा है, तो ये किसी के नीचे आएगा। देन इट इज़ फाउंड 5 pandas, तो उसके बाद 5 pandas मिला, ये भी नहीं आ सकता। और जो बच्चा पीपल डिड नॉट नो पांडाज वेल, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि लोगों को पांडाज बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा पहले आएगा 4। उसके बाद देखिए ये आएगा, उसके बाद क्या आ सकता है, क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। उसके बाद हम लिख सकते हैं नाउ पीपल कैन अटैच, अब लोग उसके GPS अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा 1। उसके बाद देखिए क्या आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, देखिए जैसे कि देन इट इज़ फाउंड 5 pandas हैबिटेट सम टाइम ओवरलैप दिस GPS, पहले GPS की बात कर दी GPS, उसके बाद दिस GPS कह दिया, तो ये दोनों पेयर बना रहे हैं। इसके बाद आ जाए 2 और जो लास्ट बचा 3, तो ये पेयर हो गए। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं, पहले इसे रीड कीजिए। वी अराइव्ड अराउंड लंच टाइम एंड एज सून आई क्रॉल्ड अंडर एंड कुड इमीडिएटली सी दैट देयर वर फार मोर देन अ फ्यू द पोस्टेड द कंपनी एंडेड अप रिमूविंग 45 टर्टल स्नेक फ्रॉम बीनीथ द हाउस बिग कंट्री स्नेक रिमूवल रिस्पॉन्डेड टू अ होम एलिमिनेटिंग टैक्सेस आफ्टर अ मैन हु वाज ट्राइंग टू रिस्टोर द केबल क्लाइंब एंटर द हाउस ही सेड अ फ्यू स्नेक्स एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट अ सैड पोस्ट ऑन क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज फेसबुक पेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा आ सकता है। वी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रनाउन आएगा। तो ये जो वी है वो प्रनाउन है, ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए कि नाउन, जैसे कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये पहले आएगा, ऐसे नहीं आ सकता ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये दोनों पेयर बनेंगे, इसलिए वी ये पहले नहीं आ सकता। द कंपनी एंडेड अप रिमूविंग, ये तो उन्होंने कही दिया कि कंपनी एंडेड अप, मतलब ये या तो लास्ट में होगा या बीच में से होगा। उसके बाद देखिए, बिग कंट्री स्नेक रिमूवल रिस्पॉन्डेड टू अ होम इन एल्बनी टेक्सास आफ्टर अ मैन हु वाज ट्राइंग टू रिस्टोर द केबल क्लाइम्ड अंडर द हाउस, ये हो सकता है, इसको एक बार चले रखते हैं। ही सा अ फ्यू स्नेक्स, तो उसने देखे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, थ्री नंबर आएगा। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद इस बिग कंट्री स्नेक्स ये हो गया, उसके बाद रीड करते हैं वी अराइव एट आउट, सबसे पहले अब देखिए ये आ गया, उसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा। Created with free version for non-commercial use. जब वो पहुंचे तो वो देखेंगे, उससे पहले तो वो देख नहीं सकते, इसलिए फोर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, अब रह गए हमारे पास दो। वी अराइव्ड अराउंड लंच टाइम एंड एज सून एज आई क्रॉल्ड अंडर आई कुड सी इमीडिएटली सी दैट देयर वाज फार मोर देन अ फ्यू द पोस्ट सेड, और द कंपनी एंडेड अप आ गया, तो ये तो लास्ट में आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 3, 4, 1, 2। चलिए कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए अभी एक एग्जांपल देखिए, इसमें सबसे पहले रीड करते हैं। दिस वाज वाइडली अपोज्ड बाय मल्टी बिलियन कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड एंटी डिप्रेसेंट्स। दिस वाज आ गया, तो ये नहीं आएगा पहला। इसके बाद इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड अ चाइल्ड कुड सेल्फ प्री अप्रोच स्टार्टिंग विद अ लो डोज एंड बिल्ड ग्रेजुअली विद इन टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट, ये भी नहीं आएगा। अ मेजर रिव्यू ऑफ एंटी डिप्रेसेंट हैज फाउंड दे आर लार्जली इनइफेक्टिव एंड मे Even be harmful for children and teens depression in the Amazon. ये आ सकता है, एक बार इसको रखते हैं। The true effectiveness and risk of serious harms in found the border of Amazon, such as suicidal thoughts, remain unclear because of the small number of trials and respective reporting findings in published trials and clinical study reports. ये भी आ सकता है। The study author recommend that children, the study author. तो ये first पे तो नहीं आएगा। अब इन दोनों में से रह गया। तो ये देखिए, इसके अंदर अमेज़न की बात लास्ट में हुई है और इसके अंदर उसके बाद हुई है, तो ये पहले आएगा और उसके बाद ये आएगा, तो एक पेयर बन गया 3 और 4 का। तो लिख लीजिए यहाँ पे 3 और 4। उसके बाद देखिए कौन सा आ सकता है, अमेजर रिव्यू ये हो गया, द ट्रू इफेक्टिवनेस एंड द रिस्क, उसके बाद द स्टडी रिकमेंड दैट चिल्ड्रन एंड एडोल्सेंट टेकिंग डिप्रेशन शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड क्लोजली एंड परमानेंटली हावर प्रोविडेड द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंटी डिप्रेशेंट, इसके बाद ये आएगा। अब रह गए ये दोनों, फर्स्ट और टू। दिस वॉज वाइडली अपोज बाई मल्टी बिलियन कंपनी, तो इट इज़ देयर फॉर रिकमेंडेड अ चाइल्ड कुड सेल्फ री अप्रोच। तो अब ये इसने देखिए कि ये उसके बाद ये क्यों आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो मल्टी बिलियन कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी एंटी डिप्रेशन में किया हुआ है, इसलिए इसके बाद 5 के बाद ये आएगा, और जो बचा दूसरा नंबर तो ये बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आया अ मेजर रिव्यू, क्योंकि इसमें अमेज़न दिया हुआ है और ये इससे मिलता जुलता है, इसलिए ये उसके बाद आ गया, ये दोनों पेयर बन गए। और इनके बाद ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो कह रहा है कि इसने मल्टी बिलियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये दोनों पेयर बन रहे हैं, और ये दोनों पेयर बन के इनके साथ अटैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आएगा 5th, और उसके बाद ये पेयर आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस शुड ड्रा द पब्लिक अटेंशन एंड पीपल शुड पुट मोर कंसर्न ऑन टीनेजर एज अ न्यू मेथड इट इज एडवाइज टू हैव मोर क्वालिफिकेशन फॉर टीनेजर टू गेट लाइसेंस पर्टिकुलरली। देखिए दिस आ गया, ये नहीं आ सकता। एज अ न्यू मेथड, एज अ न्यू मेथड मतलब उसने पहले कुछ बताया, तो ये भी नहीं आ सकता। पर्टिकुलरली ये तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको वर्ड टाइप दिन से शुरू होता है, तो वो नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट हैपन बिटवीन 1 AM एंड 5 PM अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। मोर कार एक्सीडेंट होकर इन द मॉर्निंग, ये आ सकता है। स्पेशली दिस हैपन वेरी अमंग ऑफन द टीनेजर, ये स्पेशली आगे इसलिए नहीं आएगा। तो सबसे पहले आएगा 4, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मोर कार एक्सीडेंट होकर इन द मॉर्निंग, सुबह होती है। तो अब इसके देखिए सिमिलर ये है, पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट हैपन बिटवीन 1 AM एंड 5 AM, क्योंकि इसने पहले मॉर्निंग की बात कर दी, फिर टाइम दे दिया, इसलिए 4 के बाद 3 आ जाएगा। हम देखते हैं कौन सा आएगा। Especially this happened very among a teenager as a new method. अब उसने teenager की बात, इन दोनों में teenager की बात उसने की हुई है, पर शुरू किससे कर रहा है, especially से, तो इसलिए 5th ये आ जाएगा। Especially this happened very among teenage drives. अब रह गए हमारे पास ये दोनों, इनमें से चूज करने की कौन सा आएगा।
दिस शुड ड्रा द पब्लिक अटेंशन एंड पीपल शुड पुट मोर कंसर्न ऑन टीनेजर एज अ न्यू मेथड इट इज एडवाइज. तो ये देखिए इसके बाद ये आ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने कंसर्न किया उसके बाद एक न्यू मेथड डेवलप किया. ऐसे तो है नहीं कि पहले मेथड डेवलप कर लेंगे फिर चिंता जताएंगे कि नहीं यार ये नया मेथड बनाना चाहिए. इसलिए पहले उनको चिंता होगी फिर वो न्यू मेथड बनाएंगे. तो उसके बाद वन आएगा और उसके बाद लास्ट में टू आएगा. चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके. ये देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. इन 1986 60% ऑफ द पॉपुलेशन एज 15 ईयर एंड ओवर वर मैरिड बाय 2001 दिस प्रोपोर्शन हैड डिक्रीज्ड टू 55% इन 1986. तो ये नहीं आएगा. एट द सेम टाइम पे शुरू हो गया तो ये भी फर्स्ट जो हमारा है वो नहीं बनेगा. द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ओवर डाइवर्स इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 5% in 1986 to 7% in 2001 while the proportion population were widowed remained at around 6%. उसके बाद अगर conversely ये भी नहीं आ सकता, लेकिन conversely आ गया. Conversely the proportion of the population aged 15 year and over who were never married increased from 29% in 1986 to 32% in 2001. Fourth read करके देखिए. The decline in marriage rate and increase in divorce rate has led to a decrease in the proportion of population that is formally married. ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी. द डिक्लाइन इन मैरिज रेट, जो मैरिज रेट है उनमें कमी आई है, एंड इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट, तो डाइवोर्स रेट है तलाक के रेट है उनमें बढ़ोतरी हुई है, हैज लीड टू अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज फॉर्मली मैरिड. तो हम लिख सकते हैं पहले नंबर पर फोर्थ आएगा, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा आएगा. उसके बाद देखिए इसने इसमें ईयर की बात की है इन 1986, इसमें भी बात किया लेकिन इसमें बाद में बात की है और इसमें भी बात किया. तो इसके बाद आएगा इन 1986, हम लिख सकते हैं फोर्थ के बाद वन. इन 1986 60% ऑफ पॉपुलेशन एज 15 ईयर एंड ओवर वर मैरिड. देखिए ये देखते हैं इसके बाद आ सकता है. एट द सेम टाइम द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सेम टाइम तो लिखा है पर उसने टाइम नहीं दिया ना कि कौन सा है. और थर्ड में देखिए कन्वर्सली द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज 50 ईयर, 15 ईयर इसमें और एज 15 ईयर, तो ये दोनों पेयर बना रहे हैं. तो इसके बाद थ्री आ जाएगा और जो बचा उसके बाद टू आ जाएगा. रीड के द लॉन्गर अ चाइल्ड कैन रेजिस्ट द टेम्पटेशन हैज बीन कोरिलेटेड विद द हायर जनरल कंसिस्टेंसी लेटर इन लाइफ. द लॉन्गर अ चाइल्ड कैन रेजिस्ट, इसमें चाइल्ड के बारे में बात हुई है पर अभी ये आगे और बताएंगे, इसलिए हमें देखना है कि आगे कौन सा आएगा. द चाइल्ड इज टोल्ड, बच्चों को कहा गया, तो कब इससे पहले कुछ कहा होगा इसलिए ये पहले नहीं आ सकता. इफ़ यू डोंट ईट दिस ट्रीट फॉर 15 मिनट यू कैन हैव बोथ दिस वन एंड सेकेंड वन. इट्स ऑन एवरेज वेट फॉर 5 or 6 मिनट बिफोर ईटिंग द मार्शमेलो. अ 4 to 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड. अब यहाँ पे पहले उसने कहा था कि चाइल्ड है, अब उसने उसके बारे में डिटेल बता दिया कि 4 to 6 ईयर ग्रुप बता दिया, इसलिए पहले आएगा फोर्थ पॉइंट. अगर ये ना दिया होता तो हम फर्स्ट पॉइंट को भी पहले मान सकते थे. 4 to 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड sit alone in a room at a table facing a marshmallow on a plate. अब रह गए हमारे पास तीन, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा आ सकता है. द चाइल्ड इज टोल्ड, पहले उसने कह दिया 4 to 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसके बाद बच्चों को कहा गया इसलिए टू आ जाएगा. अब हमारे पास सिर्फ रह गए दो, अब हमें देखना है कि इसके बाद कौन सा आएगा. किड्स ऑन एवरेज वेट फॉर 5 or 6 मिनट बिफोर ईटिंग द मार्शमेलो. द लॉन्गर अ चाइल्ड कैन रेजिस्ट the temptation has been correlated with higher general consistency in life. Kids on average wait for 5 minutes. तो इसमें कहा गया कि जो बच्चे हैं, बच्चों की बात हो रही थी और ये इसमें बच्चों से रिलेटेड बात है, इसलिए हम इसके बाद थर्ड को लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे वन को. तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और करके देखते हैं. ये अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे रीड करते हैं. ओपन डेज आर गुड चांस फॉर पेरेंट टू आस्क व्हाट दे नो. ओपन डेज उसमें लिखा गया है पर अभी इसके बारे में और डिटेल देंगे. वन ऑफ द कॉमन वेज इन ओपन डेज, ये दोनों नहीं आ सकते पहले. स्कूल हैज डिफरेंट वेज टू लेट पेरेंट नो हाउ दे प्रोवाइड एजुकेशन सर्विस. ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, हम इसे कंसीडर करेंगे. एक बार फोर्थ पर लेते हैं. दीज आर टाइम्स व्हेन पेरेंट्स कैन नो व्हाट वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन विल बी डूइंग एट स्कूल. ये नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे दीज आ गया, दीज आर आर टाइम्स, ये इन टाइम्स की बात कर रहा है. तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो हम पहले थर्ड पॉइंट को लिखेंगे. स्कूल हैज़ डिफरेंट वेज टू लेट पेरेंट्स नो हाउ दे प्रोवाइड एजुकेशन सर्विस. अब उसके बाद देखते हैं. वन ऑफ द कॉमन वेज इज टू ओपन डेज, और ओपन डेज आर गुड चांस. तो पहले उसने ओपन डे के बारे में बताया, फिर उसके बारे में डिटेल में बताया, इसलिए उसके बाद टू आएगा. फिर उसने ओपन डेज के बारे में डिटेल में बताया, इसलिए वन आएगा. और जो लास्ट में था फोर्थ.
तो ये इसके आंसर आएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अब इसे रीड करके देखिए। नोट एन ऑर्डिनरी बुक बट अ लिटरेचर बुक, तो उसने कोई बुक के बारे में बताया है तो ये नहीं आ सकता क्योंकि अभी वो बुक के बारे में बता रहा है और उसने अभी कुछ और बताएगा, इसलिए फर्स्ट टेंस सेंटेंस ये नहीं हो सकता। फॉर मैनी ईयर आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। पर एक बार अगले पॉइंट्स को पढ़ते हैं। वट आई डिड इज वट यू विल नीड टू डू, जो मैंने किया वो तुम्हें करना है, तो ये भी नहीं आएगा पहले पे। आई वुड डू एक्सटेंसिव लिटरेचर रीडिंग एंड थिंक अबाउट हाउ आई कुड डू एज वेल एज दे हैड डन, तो ये भी नहीं आएगा। सो सबसे पहले आएगा फॉर मैनी ईयर आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक, सबसे पहले दो नंबर लिख दीजिए। उसके बाद राइटिंग अ बुक, कौन सी बुक? नोट एन ऑर्डनरी बुक बट ए लिटरेचर बुक, सो इसके बाद ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रहे थर्ड और फोर्थ पॉइंट। वट आई डिड इज वट यू हैव यू विल नीड टू डू, जो मैंने किया वो तुम्हें करना है। तो फोर्थ में बता रहा है क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, तो इसलिए ये हमें फोर्थ पॉइंट पहले आएगा और थर्ड पॉइंट बाद में आएगा, क्योंकि उसने कहा आई वुड डू एक्सटेंसिव लिटरेचर रीडिंग एंड थिंक अबाउट हाउ आई कुड डू एज वेल दे हैड डन। वट आई डिड, तो ये जो वट आई डिड बात कर रहा है ये इस लाइन की बात कर रहा है, इसलिए फोर्थ पहले आया और थर्ड बाद में आया। मैं आशा करता हूँ आप सभी को रीऑर्डर पैराग्राफ के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए नोटिफिकेशन मिलेंगे और मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। अभी जो मेरा अगला टॉपिक है उसमें मैं इसके मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। सो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।